हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीरजी और पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के अंदर। स्पेशल इसलिए क्योंकि चैनल मेरा इस बाइक से स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब चैनल इस बाइक की वजह से स्टार्ट हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया। आप सभी बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे थे कि भाई CVR की वीडियो कब आएगी। खैर, ये आज के टाइम में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी अपना प्यार है और काफ़ी भाई ने मैसेज किया, कमेंट किया, तो फिर मुझे लगा कि यार अब दो चार नहीं कुछ वीडियो बाइक की बनाते हैं, इस बाइक की भी आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोबारा से बाइक थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैंने आपको पहले भी CVR वाली वीडियो में बताया था कि मैं दो तीन साल में एक और बाइक में कुछ नई चीज़ें ऐड कर देता हूँ और बाइक की लुक अच्छी बनाने के लिए या फिर अपना सेटिस्फेक्शन जो लेवल है उसको प्रॉपर रखने के लिए, क्योंकि हमेशा चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड हो जाए तो अच्छा लगता है दिल को भी और बाइक को भी, क्योंकि बाइक को भी टाइम टू टाइम अच्छी चीज़ें चाहिए यार। अभी जैसे कि विंगलाइट मैंने लगा रखे हैं, अभी आज से कुछ साल पहले नहीं आया करते थे तो नहीं थे, लेकिन अब आने लगे हैं तो लगा दिए हैं। और ये LED हेडलाइट जब BS4 वाली CVR आई थी तो उसके कुछ टाइम बाद ये लेकर लगाई थी इसमें, लेकिन एक थोड़ी सी दुख वाली बात ये है कि मेरी बाइक की जिंदगी में मेरी बाइक का एक एक्सीडेंट हुआ है CVR का, और मेरे द्वारा ही हुआ था। और 4-5 महीने तक या मान लो 5-6 महीने तक बाइक खड़ी हुई थी मेरे घर पे, क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते इस बाइक की वजह से, इस बाइक के। तो उस टाइम वो जो LED हेडलाइट थी टूट गई थी, मतलब पहले भी LED थी जो बाद में दोबारा से लगाई, तो ये हेडलाइट और एक दो चीज़ें नई लगी है बाइक के अंदर, फ्रंट से थोड़ा टूट गया था ना, तो दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं यूट्यूब पर एक्टिव ही नहीं रहता था, उस टाइम बहुत लंबे टाइम में एक्टिव मतलब वीडियो आती थी मेरी, वो बस दुख था बाइक का, इस वजह से यार ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो अभी आज की इस वीडियो में बाइक के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बाइक में क्या कुछ चीज़ें हैं और चलने में कैसी बाइक, बस ये दो चीज़ें अपन थोड़ी सी देखेंगे बाइक के बारे में। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए बाइक का, जिसमें बाइक की एक एक प्रॉपर चीज़ों के बारे में बात करी जाए कि बाइक की कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है, चाहे वो गियर हो, चाहे क्लच हो, चाहे ब्रेक हो, चाहे इंजन हो, चाहे फ्रेम हो, चाहे वाइब्रेशन हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बात करेंगे, एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो रहेगी वो। और आज बस एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग है आप सभी के लिए, ताकि आप लोग मिस ना कर, अगर मिस कर रहे हो बाइक को तो देख सको आज की वीडियो में। तो अभी अगर बाइक को राइड पे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा बाइक के बारे में। देखो, फ्रंट में ये विंगलेट लगा रखे हैं जो कि मिरर का काम भी करते हैं, मिरर का काम नहीं करते, बस इसमें दे रखा है कि मिरर का काम कर देंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन करते नहीं एक्चुअल में, बस ये लुक के लिए लुक थोड़ी सी अच्छी बना देते हैं और कुछ नहीं है। ये देख सकते हो कुछ ऐसे, और इनको आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा जैसे आपको रखना है। और यहाँ पे अपनी BS4 वाली हेडलाइट मैंने लगाई थी बाइक में, और यहाँ पे दो फोग लैंप लग रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। नर्व प्लेट अपनी वो जो रजिस्टर्ड आती है वही लगाएंगे, वो पीछे तो लगा दी लेकिन आगे उसमें होल नहीं हो पा रही, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा उसको लगाने में, होल करवाना पड़ेगा, पीछे लग रही है, देख रहे हो। और हाँ, इसमें इंडिकेटर मैंने हॉर्नेट वाले लगाए हैं, ये देख रहे हो ना, ये हॉर्नेट वाले इंडिकेटर इस बाइक के अंदर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके, ये देखो कुछ ऐसे लगते हैं ना। और यहाँ पे ये रैप मैंने खुद से किया इन पैनल पे, और ये टैंक पर लगा रखा है। इसके अलावा इस पे रैप है इस वाले पार्ट पे और सामने वाले पार्ट के ऊपर, बाकी कुछ पार्ट जेन्युइन है, मतलब ब्लैक ही थे, और टैंक के ऊपर पेंट करवाया गया था मेरे, मतलब मैंने किया था। तो ओवरऑल कुछ ऐसी बाइक अब दिख रही है अपनी, वैसे बताने को तो और भी चीज़ें हैं लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ये चीज़ें बाइक में लगा रखी है। एक विंगलेट यहाँ पे भी लगा हुआ है, और एक ये CVR 250 का ये ब्रेक कोइल के ऊपर लगा रखा है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। वैसे मेरा मन नहीं था इसको लगाने का, लेकिन फिर मैंने लगा लिया। और कुछ ऐसी बाइक अपनी, मेरी बाइक पहले जब शुरुआत मेरे पास आई थी रेड कलर की थी, रेड जो शुरुआत में आया था, फोटो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उसके बाद मैंने रैप बहुत ज़्यादा चेंज कर लेता हूँ मैं बाइक के ना, बहुत रैप चेंज किया मैंने इस बाइक के ऊपर, तो इस वजह से हमेशा लुक चेंज होती रहती है, थोड़ी 3-4 साल में एक बार लुक चेंज हो जाती है इस बाइक की। तो बहुत ही प्यार से रखता हूँ इस बाइक को, इतने प्यार से, मतलब ये समझ लो कि यार अब 11 साल पुरानी बाइक है, लेकिन फिर भी इसमें ये जो चीज़ें जिस तरह से मैंने मेंटेन कर रखी है, तो मैं जानता हूँ मैंने कैसे मेंटेन किया है बाइक को। 140,000 अपनी बाइक चल गई है, और अभी इंजन आ गया है वैसे इसका, अभी इंजन और बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है बाइक, तो इंजन करवाना पड़ेगा बस थोड़े टाइम बाद। और टेल लाइट भी, हाँ आपको काफ़ी लोग पूछने वाले हो टेल लाइट के बारे में, तो टेल लाइट मैं आपको बता देता हूँ, ये टेल लाइट मैंने खुद से बनाई है, खुद बनाई थी, इसमें LED लाइट लगा रखी है मैंने DRL इस साइड, और बीच में अपना जो बल्ब आता है वो लगा हुआ है। तो ये टेल लाइट मैंने खुद ही बनाई है, कहीं से परचेज नहीं किया, मैं देख रहा था परचेज करने के लिए, और ये सब चीज़ें मैंने आज नहीं की है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बहुत पहले कर चुका हूँ, मतलब कभी कोई चीज़ किस टाइम कर दी है, कभी कोई, जैसे ये टेल लाइट तो मैंने आज से 7-8 साल पहले बनाई थी, तो
हेडलाइट तो मतलब अभी कुछ टाइम पहले लगाई है BS4 वाली, तो ऐसे ना टाइम टू टाइम कभी कोई चीज़ें लगा दी बाइक में, कभी कोई चीज़ें लगा दी, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो तब हो जाता है ये चीज़ें। वरना ऐसा नहीं है कि मैं कल करके लाए और मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। आपने जो पुराने भाई है, सब्सक्राइबर्स है जो मेरे, उनको पता भी है मैं कुछ ना कुछ हमेशा इस बाइक में करता रहता हूँ, और इसी बाइक ने मुझे सब कुछ सिखाया है, और बाइक को कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ इसने सिखाया मुझे इस बाइक ने। तो बहुत प्यार है मेरे को इस बाइक से, बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से हमेशा बहुत मेंटेन करके रखता हूँ। और ये जब तक है मेरे पास, जब तक मैं जिंदा हूँ, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उसके बाद पता नहीं मेरी बाइक का क्या होगा लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक ये बाइक मेरे पास है भाई, जब तक। आज मैं बता रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर आप सभी को, इसको कभी किसी को नहीं दे सकता, यहाँ तक कि चलाने नहीं देता मैं किसी को इस बाइक को, बहुत ही कम देता हूँ चलाने के लिए। बस मुझे पता है, ऐसा तो मेरे दोस्त हैं जो चला लेते हैं कभी कभी, मुझे पता है अच्छे चलाते हैं और कहीं टच नहीं करेंगे बाइक को इधर उधर, क्योंकि इस पर स्क्रैच आएगा तो भाई साहब दिल दुखता है मेरा बहुत तगड़ा, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मतलब बहुत ही कम चलाने देता हूँ दूसरों को, बस खुद ही चलाता हूँ, चाहे कोई दूसरी बाइक ने कितना ही चला ले, लेकिन इसको मैं बहुत कम देता हूँ। बस प्यार है इस बाइक से, ये समझ लो, प्यार बहुत ज़्यादा है। और ये जो इसकी विंडशील्ड है, ये भी मैंने बाद में लगवाई थी, ये शुरुआत में ऐसे नहीं आती, आपको पता है ट्रांसपेरेंट आती है। तो कुछ ऐसी अपनी बाइक अभी चलाते, चलाने के बाद आपको थोड़ा सा और बताता हूँ बाइक के बारे में। तो काफ़ी सारी बातें कर ली अपन ने, अब थोड़ा सा बाइक को चला लेते हैं, चला के भी दिखा देता हूँ बाइक कैसी है। एग्जॉस्ट साउंड पे थोड़ा ध्यान देना, अभी हेलमेट में साइज इतना समझ नहीं आएगा आपको, लेकिन क्या भागती है यार, 250cc के हिसाब से बहुत मस्त भागती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनिशियल ज़्यादा मिल रहा है तो टॉप एंड कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, और टॉप एंड ज़्यादा मिल रहा है तो इनिशियल कम हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, बैलेंस बाइक है ये। और इस बाइक की ना मुझे ये चीज़ सबसे बढ़िया लगती है, बहुत ही बैलेंस है, ना इनिशियल इतना ज़्यादा है कि टॉप एंड को कम करे, ना टॉप एंड इतना ज़्यादा है कि वो इनिशियल को कम करे, और आराम से इनिशियल भी अच्छा देती है बाइक, वो टॉप एंड भी लगभग 160 प्लस चली जाती है, ठीक है। तो हर चीज़ परफेक्ट लगती है मुझे इस बाइक में, परफॉर्मेंस के मामले में भी, और चलाने में बड़ी मस्त है यार बाइक। आज भी सीरियसली बताऊँ ना, इतना प्यार है मुझे इस बाइक से, और इरीटेट नहीं हो पाता हूँ मैं कभी, उसका रीज़न यही है भाई, इतने स्मूथ गेयरबॉक्स है इस बाइक में, इतने स्मूथ मैंने इस बाइक के अलावा किसी बाइक में नहीं देखे हैं यार। मतलब इतनी ज़्यादा पुरानी होने के बाद भी ना, इतनी ज़्यादा पुरानी फिर भी गेयरबॉक्स एकदम बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथ, ऐसे मतलब इशारा चाहिए बस गियर लगाने के लिए, ऐसे काम करते हैं मेरी बाइक के गेयरबॉक्स। और एग्जॉस्ट साउंड आप सुन ही रहे हो, चलाने में तो खैर यार मज़ा आता ही, लेकिन 250 है तो 250 के हिसाब से भागती है यार बाइक, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा भाग लेगी, ऐसा नहीं है, 250 है 250 के हिसाब से भागेगी। बाकी ब्रेक्स वगैरह सब बढ़िया है, देखो 11 साल हुए तो कुछ कुछ चीज़ें रिपेयर होती रहती बाइक में, कोई छोटी मोटी चीज़ें कमी आ जाती है, तो उस हिसाब से एक नई बाइक में और इतनी पुरानी बाइक में फ़र्क तो रहेगा चलाने में। अभी इस बाइक को चलाता हूँ और कोई नई बाइक कुछ सीवियर चलाऊँ ना, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा हर चीज़ में, परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा बेस्ट निकलेगी इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका इंजन भी आ रखा है, मतलब इसका इंजन ये मान लो कि डेड होने वाला है, डेड तो नहीं होगा मुझे पूरा भरोसा है, चलाऊंगा जब तक चलेगा, लेकिन अभी हल्की हल्की सी धुआं देती है बाइक, जब ज़्यादा रेव करता हूँ मैं, ज़्यादा रेस देता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, इस वजह से मैं इस बाइक का इंजन कराऊंगा थोड़े टाइम बाद। और एक इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा पीती है भाई, अब पिछले 4-5 हज़ार किलोमीटर से मैंने देख रहा हूँ कि इंजन ऑयल टॉपअप करना पड़ जाता है बार बार, और अब तो ऐसी कंडीशन हो गई भाई, 500 किलोमीटर चलती है बाइक और टॉपअप करना पड़ता है इंजन ऑयल, तो इस वजह से अब इसका इंजन कराना पड़ेगा। तो एक बार भगा लेते हैं बाइक की, परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ आपको, टॉप स्पीड की वीडियो भी ज़रूर आएगी और टॉप स्पीड भी चेक करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी परफॉर्मेंस और थोड़ा देखते हैं कैसी भागती बाइक अभी। एक और वीडियो मैं बना दूंगा टॉप स्पीड की, इसके बाद एक या दो दिन में देख लेना आप, चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, उसमें टॉप स्पीड दिखा दूंगा, फिलहाल इस बाइक की क्या टॉप स्पीड है, कितनी स्पीड तक ये बाइक जा पाती है फिलहाल, तो वो चीज़ आप उस वीडियो में देखना। जब ये बाइक मेरे पास शुरुआत में आई थी ना, तो इस बाइक से बहुत चीज़ें सीखी है मैंने, खैर इस टाइम मुझे इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन बाइक को भाई बहुत अच्छे से मैं राइड कर लेता हूँ, और ऐसे जैसे लीन करना भाई, इतने प्यार से लीन होती है बाइक, नो डाउट, अभी तो हल्का हल्का ऐसी वो लीन वर्ड बोल रहा हूँ ना कि लीन करना तो अपने आप हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं, वो एक अच्छा साफ सुथरा रोड हो, इस रोड में मुझे थोड़ा डर लगता है, इस वाले रोड पर लीन करने में, हाँ मतलब हल्का फुल्का कर सकते हैं अपन देखो जैसे, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते इस रोड पे अपन। और जो डामर वाला रोड होता है ना अपना काला वाला, और साफ़ सुथरा रोड हो तो काफ़ी अच्छे से लीन होती है बाइक, बहुत बढ़िया तरीके से मज़ा आ जाता है। तो ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है आज भी बाइक की, एक नंबर है, मतलब
सीरियसली बताऊँ तो फुल कॉन्फिडेंस देती है मुझे आज भी ये बाइक, कॉन्फिडेंस भर भर के आता है मुझे इस बाइक के ऊपर। और ब्रेकिंग बढ़िया है, इंजन तो देखो आ गया है, 140,000 बाइक चल गई है, 140,000 शायद कुछ प्लस ही होगी, उसमें से तीसरा मीटर मेरी बाइक का मीटर चेंज हो गए हैं। एक बार तो एक भाई ने मेरा मीटर फोड़ दिया था, पार्किंग में खड़ी थी, उसने कुछ इस पर मार दिया, पता नहीं, मैं नहीं जानता किसी को, लेकिन खड़ी बाइक का मीटर तोड़ा था किसी ने, तो मैं जब इसके पास आया तो मीटर टूटा हुआ था, तो तब मुझे चेंज करवाना पड़ा। एक बार इसकी जो निडल है ना, ये आरपीएम वाली, ये नहीं चलती थी, एक बार ऐसा हो गया था, तो वो आरपीएम वाली निडल इसलिए नहीं चली क्योंकि पता नहीं कैसे क्या मिस्टेक हुआ इस बाइक के अंदर, मतलब जब ये खोली थी आगे से तो उस वजह से कुछ हुआ होगा, तो ये सब चीज़ चलती थी। डिजिटल वाली सारी चीज़ ओके थी, सब परफेक्ट काम कर रही थी, लेकिन इस सुई की वजह से मुझे मीटर दोबारा चेंज कराना पड़ा, और बस 2 मीटर नए लगे बाइक के अंदर, ये तीसरा मीटर है, क्योंकि जब तक आरपीएम की ये जो निडल है ना, ये ऊपर नहीं जाएगी ना, फील नहीं आता बाइक को भगाने में ना। ये अपनी ब्लैक सीवीआर, ब्लैक ब्यूटी, इसका आज तक मैंने कोई नाम नहीं निकाला, बहुत नाम से बुला लेता हूँ इसको, और जो सबसे ज़्यादा नाम जो यूज़ करता हूँ इसको बुलाने के लिए वो है जान, मतलब जैसे बोलता हूँ ना कि अब वो बाइक जैसे अपनी हाबू हो गई, कोबरा हो गई, तो ऐसे इसको बोलता हूँ जान, तो ऐसे है, प्यार है यार, कैसे बताऊँ। देखो इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए, बहुत ही डिटेल वीडियो जिसमें कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ना, हर चीज़ की बात करेंगे, कुछ वैसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे, जरूर बनाऊंगा आप सभी के लिए। बाकी फिर इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो यार।